नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के जर्दालु आम के बारे में। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम को यूं ही फलों का राजा नहीं कहा जाता है। उसे राजा बनाता है उसके बहुत सारे गुण जो दूसरे फलों में नहीं पाए जाते हैं। आपको बता दें कि आम में बायो एक्टिव कंपाउंड और फाइबर पाए जाते हैं, जिसके कारण यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। भारत में पाए जाने वाले आम की यह प्रजाति भारत के साथ ही पाकिस्तान और म्यांमार में भी पाई जाती है। आपको बता दें कि आम भारत के साथ ही पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है। बिहार के भागलपुर से GI प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली कमर्शियल खेप ब्रिटेन भेजी गई है। भागलपुर से प्रसिद्ध जर्दालू आम को साल 2018 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। बिहार सरकार, भारतीय उच्च आयोग और इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ भागीदारी कर एपीडा ने इस रसदार और सुगंधित आमों को निर्यात किया। इन आमों को लखनऊ में एपीडा के पैक हाउस में पैक किया गया था। अनूठी सुगंधित और स्वाद के लिए यह आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में रह रहे VVIP को भी भेजा जाता है। भारतीय उच्च आयोग को इंग्लैंड के लोगों ने जर्दालू आम के बारे में बताया कि यह काफ़ी लजीज और रसीले हैं। वहीं इंग्लैंड के लोगों ने आने वाले साल में बड़ी मात्रा में भागलपुरी जर्दालू आम की मांग की है। भारतीय उच्चायुक्त को भेजे खत में भागलपुर के आम के बगीचे का भी जिक्र है। उच्चायुक्त विजय चंद्रा के नाम से यह चिट्ठी भेजी गई है। आपको बता दें, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद नियंत्रण विकास प्राधिकरण के माध्यम से जर्दालू आमों को बीते 14 जून को इंग्लैंड भेजा गया था। 1 क्विंटल आम भेजे गए थे। आपको बता दें कि यह आम किसान कृष्णनंदन के बगीचे से भेजे गए थे। आम को लंदन भेजने वाले कृष्णनंदन ने खुद पहल की थी। इस आम की खास बात यह है कि यह पूर्णतः जैविक विधि से उत्पादन किया गया है। हालांकि किसान कृष्णनंदन का एपेडा से रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण वैशाली के किसान के माध्यम से आम भेजा गया। आम को लंदन भेजने से पहले 4 जून को इसकी जाँच की गई थी। जाँच सर्टिफिकेट मिलने के बाद भागलपुर में पैकिंग की सुविधा नहीं होने के कारण आम को लखनऊ भेजा गया। वहाँ पैकिंग के बाद इंग्लैंड भेजा गया। भागलपुर के जर्दालू आम बिहार सरकार, भारतीय उच्च आयोग और इन्वेस्टमेंट इंडिया के साथ भागीदारी में एपेडा से रसदार और सुगंधित आमों का निर्यात किया गया। जर्दालू आम को विदेश भेजने से पूर्व लंगड़ा आमों की खेप भी लंदन भेजा जा चुका है। आम लंदन भेजने को लेकर किसान कृष्णनंदन ने बताया कि इस बार जर्दालू आम को इंग्लैंड भेजकर देखना चाहते थे कि क्या प्रतिक्रिया आती है। उन्होंने कहा कि उनका खुद का एपेडा से रजिस्टर नहीं होने के कारण वैशाली के एक किसान के माध्यम से आम भेजा गया। आम भेजने से पहले कोलकाता में इसकी जाँच पड़ताल करवाया गया। इसके बाद एक टीम ने बगीचे में आकर जाँच पड़ताल की सर्टिफिकेट मिलने के बाद इस आम को इंग्लैंड भेजा गया। हमने वीडियो के शुरुआत में ही आम के फलों का राजा बताया था। इसके पीछे दलील यह दी जाती है कि इस फल को प्राचीन शास्त्रों में कल्प वृक्ष यानी कि इच्छित फल देने वाला पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि आम उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। आमों का प्रसंस्करण एपीडा पंजीकृत पैक हाउस केंद्रों में किया जाता है और फिर उन्हें मध्य पूर्व एशिया, यूरोपीय संघ, USA, जापान और दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों व देशों में निर्यात किया जाता है। तो ये थे जर्दालू आम के बारे में। इसको खास करके भागलपुर के जर्दालू आम, जो कि एक तो रसदार और दूसरा सुगंधित है, इसे ब्रिटेन में भी इसकी खूब डिमांड है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।